केवल 1.5 फीट का एक आसन बिछा हुआ है। स्वयंभू मनु जी महाराज की पुत्री जो फूलों के तरह पली हुई राजकुमारी, वैभवशाली महाराज की बेटी, आज ऐसे त्यागी के हाथ में अपने जीवन को सौंप करके जैसे ही देखा, नेत्र झलक पड़ गए। कर्दम ऋषि संकोच में है, ऐसी राजकुमारी को मैंने विवाह तो कर लिया लेकिन इसे कैसे रखूं? अपनी कुटिया में लाए, जब उन बिलों को देखा, मेंढक चूहा जीव जंतु सब आपस में खेल रहे हैं, कई पक्षी घोंसले बनाए हुए, लेकिन किंचित मात भी देहूति के मन में दुख नहीं हुआ कि जिनके हाथ में मेरे पिताजी ने हाथ सौंप दिया उनके यहां रहने के लिए मकान भी नहीं है, खाने की तो बात छोड़। ऐसे त्यागी पति को पाकर के प्रसन्नता हुई देवहूति को, क्योंकि वैभव संपत्ति तो दुनिया को चाहिए, कम से कम भक्ति तो करते हैं मेरे पति। देवहूति के नेत्र सजल हो गए, इतना महान पुरुष है जो मुझे पति रूप में प्राप्त हुआ। आज कर्दम ऋषि संकोच में, कहां रखूं, कैसे खिलाऊं, क्या पहनाऊं, सोचने लगे भगवान ही अब सहारा बनेंगे। अपनी आसन पर बैठ करके कर्दम ऋषि बोले, देवी कुछ देर हम भगवान का ध्यान कर लें, अपना नित्य नियम कर लें। सोचिए अभी अभी विवाह करके आए महाराज, 2-4-6 घंटा भी नहीं बीता क्योंकि कुछ व्यवस्था करें, और सीधे पति देव जी कर्दम ऋषि ध्यान करने बैठ गए, और ऐसा ध्यान करने बैठे प्यारे कि 40 वर्ष तक कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। आज के समय में सोचिए क्या ऐसे के पास पत्नी रुकेंगे। महाराज पिता कितनी वैभव अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा व्यवस्था करके बेटी की शादी करता है, लेकिन थोड़ा सा भी ससुराल में वो होगा कि तुरंत टेलीफोन आ जाए। 40 वर्ष तक कर्दम ऋषि की समाधि लग गई, लेकिन धन्य है माता देवहूति, क्योंकि पति ही परमेश्वर से किंचित मात भी उनके मन में दुख नहीं। 40 वर्ष तक अपने पति देव की समाधि से उठेंगे, इंतजार करते हैं। उसी जंगल में, उसी कुटिया में धूप होती है, छाए होती है, बारिश होती है, ठंडी होती है, हर काल परिस्थिति में, यहां तक कि कर्दम ऋषि का शरीर बैठे बैठे सूख करके लकड़ी हो गया, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा दिख रहा है, फिर भी उसी शरीर को कभी पोंछती है, कभी साफ करती है। आज नहीं तो कल समाधि पूरी होगी, समाधि से उठेंगे। स्वयंभू मनु जी महाराज को पता चला, ऐसे महात्मा के हाथ में मैंने अपनी बेटी का जीवन सौंप दिया, बड़ा पश्चाताप हुआ। मनु जी महाराज बुलाने के लिए आए, शत्रुपा जी आए, लेकिन बेटी ने कहा, नहीं माँ पिता, जब आपने हाथ सौंप दिया तो आज से चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मेरा जीवन तो यही है। 16 वर्ष में विवाह हुआ था, 40 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे महाराज, 56 वर्ष की उम्र हो गई। सोचिए 40 वर्ष तक, 56 वर्ष की उम्र हो गई देवहूति की, 40 वर्ष जब पूरे हुए, कर्दम ऋषि की समाधि नेत्र खुले, देवहूति ने दौड़ लगा दी, चरणों में गिरी, प्रणाम की महाराज। कर्दम ऋषि बोले, देवी आप कौन, मेरे आश्रम में, वो भी स्त्री लेड। देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आज से 40 वर्ष स्वयंभू मनु जी की बेटी से आपने विवाह किया था। बोले कुछ कुछ याद है। देवहूति ने कहा, वही मैं आपकी अर्धांगिनी। नेत्र सजल हो गए कर्दम ऋषि के, देवी इतने वर्ष तक तुम मेरा इंतजार करती रही, अपने घर नहीं गई, और तुमने अपने जीवन का मार्ग नहीं खोजा। देवहूति ने एक ही जवाब दिया, माता पिता जिसके हाथ में हाथ सौंप देते हैं महाराज, उसके अलावा फिर कोई दूसरा सहारा की आवश्यकता नहीं। नेत्र सजल हो गए, देवी इतना इंतजार, धन्य है तुम्हारे त्याग से। देवी नेत्र बंद करो, और जैसे ही देवहूति ने नेत्र बंद किए, कुछ क्षण के बाद खोले तो देखते हैं कुटिया के सामने सुंदर सरोवर बना है।
गर्दम ऋषि उठे, देवहूति का हाथ पकड़े, हाथ पकड़ करके जैसे ही उस सरोवर में एक डुबकी लगाए, गर्दम ऋषि की तपस्या के कारण प्यारे दोनों की उम्र बदल गई। 20 वर्ष के गर्दम ऋषि हो गए, 16 वर्ष की देवहूति हो गई।